राम राम साहब, मैं मयंक आज 10 मई रात 10 बजे की कई खास खबरें कोरोना अपडेट ले हाजिर हूँ। सबसे पहला बड़ी खबर आन लाग रही है रेलवे विभाग से। देश में 12 मई से चलेगी ट्रेन, 11 मई ने शुरू होगी टिकटों की बुकिंग, 15 पैसेंजर ट्रेन से होगी शुरुआत, धीरे धीरे बहाल होगी देश में ट्रेन सेवा। दिल्ली से 15 शहरों खातर चलेगी ट्रेन, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदरापुर, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू खाकर रवाना होवेली ट्रेन। 11 मई से रेलवे की वेबसाइट पर होवेली बुकिंग, रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर कोनी होवेली बुकिंग। अगली खबर जयपुर से, जयपुर फागी टोल प्लाजा पर फायरिंग की सूचना मिली, और भीलवाड़ा हाईवे रेनवाल मांझी टोल प्लाजा की घटना, अज्ञात लोगों के द्वारा टोल कर्मियों पर फायरिंग की सूचना। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कल सुबह 11 बजे से चलेगी शिक्षा वाणी। अब राजस्थान भी कोरोना अपडेट, राजस्थान में आज 106 नया कोरोना पॉजिटिव मिला, आगे सगे ही कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 3,814। आज राजस्थान में 2 मरीजों की हुई मौत, कुल मौतों का आंकड़ा हो 108। सक्रिय मामलों की संख्या है 1,465। अब पंजाब री कोरोना अपडेट, पंजाब में आज 61 नया कोरोना पॉजिटिव मिला, आगे सागे कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 1,823, कुल मौतों का आंकड़ों पहुंचो 31 ताई। अब हरियाणा री कोरोना अपडेट, हरियाणा में आज 28 नया कोरोना पॉजिटिव मिला, कुल 10 लोगों की अभी तई हो चुकी है मौत, कुल कोरोना पॉजिटिव का मामला है 703, जिका मो 393 मामला सक्रिय है। अब इंडिया री कोरोना अपडेट, इंडिया में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 63,420, जका मो ठीक होने की दर 30.75 हो गई है, लगातार बढ़न लाग रही है आदर, सिर्फ 0.56% मरीजा ने ही वेंटिलेटर की जरूरत है, सिर्फ 1.9% लोगों ने ही ICU की पड़े है जरूरत। ये ही आज की ताज़ा खबरां, सुबह जल्दी ही ताजी खबरों के साथ फिर मिलांगा। धन्यवाद।